अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज 44। आज नवरात्रि का सातवां दिन है। आज के दिन दुर्गा माँ के सातवें रूप यानी कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ के इस रूप को विकराल माना जाता है। इनका रंग काला है और ये तीन आंखों वाली हैं। माँ कालरात्रि हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करती हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ दुष्टों का विनाश करती हैं। मान्यता है कि माँ की पूजा करने वाले भक्तों पर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है। माँ के स्वरूप की बात करें तो माँ के चार हाथ हैं। उनके एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में लोह शस्त्र, तीसरे हाथ में वर मुद्रा और चौथा हाथ अभय मुद्रा में है। और गधे को माँ का वाहन कहा जाता है। आज सफेद या लाल वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करें। सबसे पहले माँ की पूजा के लिए माँ की तस्वीर को स्थापित करें, फिर माँ को चावल और कुमकुम लगाएं, माँ के सामने घी का दिया जलाएं और माँ को रातरानी का फूल अर्पित करें, क्योंकि माँ को ये बेहद पसंद है। इसके साथ ही माता को गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद माँ की कथा पढ़ें और माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप करें। आखिर में माँ की आरती करके पूजा समाप्त करें। इस दिन दान करना शुभ माना जाता है, इसलिए पंडितों को दान करें। इस तरह माँ की पूजा करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो नवरात्रों की इस खास पेशकश में कल फिर मुलाकात होगी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के आठवें दिन किस देवी की पूजा की जाती है और कैसे की जाती है। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज 44।